फाइनली दोस्त हम यहाँ पर क्या बोलते काबा के पास आ गए। ये बाब फहद से आए हम, ये जो बाब फहद है यहाँ से हम इंटर हुए और ये काबे के सामने और अब यहाँ से तवाफ करेंगे, उसके बाद सियाही करेंगे, उसके बाद हलक करेंगे। ये हमारा उमरा हो गया, हम बहुत लेट और ईशा के बाद हो गए थे, ईशा के बाद हम उमरा शुरू कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज संडे है और संडे का आज नाश्ता देखो, ये रोटी है मैदे की और यहाँ पे पाए का सालन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये पाया बकरी के पाए है और ये दूध है अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रेड है और ये देखिए दूध के अंदर दाल के खाने का ज़बरदस्त और तोसे अचार है और शहद भी है और उसका क्या बोलते हैं मुरब्बा भी है। देखिए माशाल्लाह माकूल इंतज़ाम है, और दूसरे पानी का नज़म है और ये चाय दूध शक्कर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ यहाँ पर सौंफ का भी है माशाल्लाह। तो ये हमारी यास्मीन यास्मीन के लिए हमारे होटल है, ये मिसला का है पूरा पूरा शेख, और आप जा रहे ज़ियारत के लिए सब तो पूरे बसेस में चढ़े ज़ियारत के लिए मुझे ये गुलाब टावर और ये हमारी होटल से बात करने से पहले एक दूसरे को दुआ देते हैं। ये सलाम जो है ये एक दुआ है, ये सिर्फ जो है मोमिनीन के लिए सआदत है। भाई साहब दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीयिल अज़ीम सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ये हमारी बस है और ये टूर है हमारा, इतने बड़े लोग हमारे भी बारह सौ रुपये लग गया हम यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। ग्रुप वन है और फैमिली हमारा पूरा ग्रुप है, अभी गारे सौर की तरफ जा रहे हैं हम। ये दोस्तों गारे सौर है जो पहाड़ की तरफ और इसकी ज़ियारत करने के लिए पूरे लोग आए वाले हैं, जिसके से ग्रुप है ये हमारा ग्रुप है ग्रुप वन। हमारा ग्रुप है और ये हमारा क्या है रहमतुल्लाहि वबरकातु। देखिए जी ये तकबीर ग्रुप है माशाल्लाह तबारकल्लाह, गारे सौर की ज्यारत कर रहे हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इसको तरक्की अता फरमाए, अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए, आमीन। अभी अंदर आने नहीं दे रहे हैं, अभी देखो दोस्तों जब जब अरफात के मैदान में है और ये टकबीर टूर्स के साथ आए थे, ये हमारा पूरा टूर्स है और अभी जब रहमत पे भी चढ़ नहीं दे रहे हमारा टूर्स है और ये जब रहमत उस पर भी आने नहीं दे रहे, अभी यहाँ से पूरे हाजी दुआएं कर ले रहे हैं और यहाँ से ज़ियारत कर ले रहे हैं, अभी अंदर आने नहीं दे रहे हैं। अभी पूरा अरफात का मैदान है, इसी तरह सब जो आपको ये दरख्त नजर आ रहे हैं मैदान अरफात के अंदर, ये 88 से पहले नहीं होते। ये 88 में पाकिस्तान के एक सदर गुजरे हैं जिनका नाम था सदर मोहम्मद जियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये देखें, ये मुतलफा तक हमको नजर आती रहेगी। ये देखें, ये नहर जुबैदा है, दोनों तरफ से ऐसे है जैसे ये है और ऊपर से बंद है। ये 1000 साल या 900 साल चलती रही, इससे जो है इंसान भी फायदा उठाते रहे, जानवर भी फायदा उठाते रहे, परिंदे भी फायदा उठाते रहे। ये देखें, ये गठन रास्ते अभी ऐसे मुश्किल रास्ते नजर आ रहे हैं, उस वक्त कितने मुश्किल होंगे। हम खुद सोचते हैं कि यहाँ पे पानी तो नहीं होता था, वो कैसे पानी का मिसाला कैसे बनाते थे, कैसे गुजारा किया करते थे। ये चीजें होती है देखने की। और दूसरे साइड पे देखें, ये जो पुल आपको नजर आ रहा है ये है मेट्रो ट्रेन का पुल। यहाँ पे मेट्रो ट्रेन चलेगी, यहाँ से अगर आप पैदल नहीं चलेंगे, आगे स्टेशन भी आ रहा है, आपने यहाँ से बैठना है और मैदान अरफात में जाना है। और इसी तरह सब आगे जो है हम मुतलफा के अंदर पहुंचने वाले हैं। तमाम हुजाज कराम कोशिश करें जिक्र करते रहे और जो है ये मुकद्दस रास्ते मुकद्दस ज़ियारत ये। अभी हम मैदान मुतलफा के अंदर पहुंच चुके हैं। हाजी साहब मैदान मुतलफा वो मैदान है जब हज करके वापस आते हैं रात जो है 10 ज़िलहज्जा की बन जाती है,
यहाँ खुले आसमान के नीचे जो है रात गुजारनी होती है, यहाँ पे जो है अपनी अपनी चटाइयाँ हर बंदे के पास होती हैं, यहाँ पे बिछा के सो जाते हैं और ऐसी नींद आती है, ऐसी कहीं सिंचे भी ऐसी नींद आती जो उस रात नींद आती है। यहाँ पे एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद मशारिल हराम, यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया, यहाँ पे रात गुजारी और यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज भी पढ़ी और इस मस्जिद का नाम मस्जिद मशारिल हराम। यह मैदान मुदलफा के अंदर है, ये साल में एक दिन के लिए खुलती है, मुदलफा के दिन पूरा साल जो है ये बंद रहती है। ऐसे ऐसे मसाजिद जो देखो अल्लाह का हुक्म है, बाद में भी खोल सकते हैं लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं है। ये देखें, ये है सीधे हाथ की तरफ देखें राइट साइड पे मस्जिद मशारिल हराम, मस्जिद मशारिल हराम ये देखें, ये वो मुकद्दस मस्जिद जिसका तज़किरा अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान करीम में भी किया है। ये साल में एक दिन के लिए खुलती है, पूरा साल बंद रहती है। इसी तरह साहब दोनों साइडों पे आप नीचे देखेंगे आपको छोटे छोटे कंकर नजर आएंगे, जो जमारात जिनको हम शैतान कहते हैं, जो उनको कंकर मारे जाते हैं, यहां से चुने जाते हैं 14 9।